सुनना। उस राजा ने एक बकरा पाल के रखा था, पूरे राज में मुनादी गिरा दी कि जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं आधा राशि दे दूंगा। बहुत लोग आए, बकरे को चराए, पेट भरना चाहे किंतु भर ना पाए। क्यों? शाम को राजा थोड़ी सी घास उस बकरे के सामने रखता और बकरा अपने स्वभाव के अनुसार उस घास को खाने लगता था। राजा ने कहा, यदि इसका पेट भरा होगा तो घास खाएगा, मतलब इसका पेट नहीं भरा है। जो कोई भी जितना भी उसको खिलावे पिलावे पेट भरना चाहे किंतु उस बकरे का पेट भरता नहीं है। एक दिन संत आए, संत समझ गए राजा की बात को कि इस बकरे को कैसे पेट भरना है। ले गए हरे हरे जंगलों के बीच में, घासों के बीच में उस बकरे को छोड़ दिया, बकरा चरने लगा। महात्मा एक हाथ में बेशर्म का डंडा लिए, बेहया का डंडा लेकर के उस बकरे के मुख पर मारने लगे। जब जब घास खाने के लिए मुंह बढ़ाता उस बकरे के मुख पर एक डंडा मार देते। बकरे को कुछ देर तक तो बात समझ में नहीं आई कि हमको मार किस लिए पड़ रही है, किंतु कुछ देर में मार खाते खाते समझ में आ गया कि जब जब घास खा रहा हूं तब तक मुझे डंडे खाने पड़ रहे हैं। अब तो बकरा को धीरे धीरे बात भरी भांति समझ में आ गई कि जब जब घास खाऊंगा तब तक डंडे खाने पड़ेंगे, इसलिए घास खाना छोड़ दिया। सुबह से शाम हो गई, ट्रेनिंग दे करके राजा के यहां उस संत ने उस बकरे को पेश किया। राजा ने देखा रोज बकरा चर के आता है, भूल करके तुम्बा होकर के ऐसे मस्ती में चलता है, आज तो ऐसे पेट और पेट का पते नहीं चल रहा है, एक में घसा हुआ है, कथक करता हुआ चल रहा है। राजा ने पूछा, महात्मन इसका पेट भर गया, काम आ रहा बहुत भर गया है, क्या कुछ खाएगा नहीं, का खिला के देख लो। राजा ने रोज के अनुसार फिर थोड़ी सी घास उसके सामने डाली, अभी भी संत के हाथ में डंडा था। बकरे ने एक बार घास को देखा, दूसरी बार संत को देखा, उस घास को खाना का सूंघा तक नहीं, पीछे हट गया। ये बकरा कोई और नहीं, ये जीव है, जितना भी भोग भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है, उससे उसकी संतुष्टि हो ही नहीं पा रही है। संत कहते हैं यह मन विरक्तावस्था को देह स्थिमान रुद्रे भीमतिम तिरत्वम जाया सुता विसुसदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम झड़भंगुरिष्टम वैराग्य राजस को भव भक्तिष्ठा। तो इंद्रियों को यदि निकषियों से हटाना हो तो भोगों से दूर करना चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रही हो बंधन किसका होता है, आत्मा है, आत्मा का कि मन का? आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए आत्मा परमात्मा का रूप है, उसका बंधन नहीं होता, बंधन होता है मन का। ये मनी राम बंधन भी बजते हैं, तो मनी राम को बंधन से मुक्त करने के लिए क्या उपाय है? कब मनी राम को बंधन से मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है कि मन को परमात्मा में लगा दो। एक ही चाबी होती है प्यारे, उसी से ताला बंद भी होता है और ताला खुलता भी है। कैसे? उसको इधर घुमा दो तो ताला खुल जाता है और इधर घुमा दो तो ताला बंद होता है। चाबी आपके पास में है, अब घुमाना किधर है आप जानो। संसार की तरफ घुमाओगे तो बंधन में पड़ोगे, परमात्मा की तरफ घुमाओगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। कैसे? जैसे यह माला मेरा है, अब इसमें ममता हो गई हमारी, अब इसको कोई लेना चाहेगा, कोई चुराना चाहेगा, कोई हड़पना चाहेगा तो मुझे कष्ट होगा। मैं इसके लिए लड़ने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए भी तैयार हो सकता हूं। ये मेरा है ही नहीं, ये मेरी संपत्ति नहीं है, आप कोई इसमें आग लगा दे मैं बोलने जाऊंगा? ये मेरा है, मैं बंधन में पड़ गया, मेरा नहीं है, मेरा मोक्ष हो गया, यही है बंधन एवं मोक्ष। मोक्ष में दो अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं? दो अक्षर, कौन कौन? मो और छ। इसका मतलब क्या होता है? मो बराबर मोह, छ बराबर छह। लोग कहते मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष तो एक सेकंड में मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब जान लो, मो बराबर मोह, छ बराबर छह। मोह का जिस दिन छह हो जाएगा मोक्ष उसी दिन प्राप्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बिना मोह के छह हुए मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधन और मुक्ति में मन ही कारण है। इसलिए कपिल भगवान मैया से कहते हैं, मैया संचिंतयेत् भगवतश्चरणं गोविंदं।